आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट कंपनी विधि में पार्श्व तंत्र नियमों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने पार्श्व सीमा नियमों के बारे में जाना। कंपनी के समामेलन के लिए आवश्यक प्रपत्रों में पार्श्व तंत्र नियम भी सम्मिलित है। अंतर्नियम का साधारण अर्थ है कंपनी के आंतरिक नियम, जिन नियमों के अनुसार कंपनी प्रतिदिन के दिन प्रतिदिन के व्यवसाय का संचालन किया जाता है, उन्हें अंतर्नियम कहते हैं। एक प्रलेख के रूप में अंतर्नियमों को अंतर्नियमावली भी कहा जाता है। अब हम इसका परिभाषा एवं अर्थ जानेंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 5.25 के अनुसार अंतर्नियमों से तात्पर्य किसी कंपनी के अंतर्नियमों से है जिन्हें मूल रूप से बनाया गया है अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है अथवा किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधान के अधीन अथवा इस अधिनियम के अनुपालना के अनुसरण में लागू किया गया है। तो ये परिभाषा में ये बताती है कि क्या है, लेकिन इसकी प्रकृति को नहीं समझाती अंतर्नियम की प्रकृति को। तो सर्वप्रथम हम न्यायाधीश लॉर्ड बोवेन ने जो परिभाषा दी है उसका अध्ययन करते हैं। वो कहते हैं कंपनी अंतर्नियमों के आंतरिक नियम होते हैं। न्यायाधीश चार्ल्स वर्थ के अनुसार पार्षद अंतर्नियम एक ऐसा प्रलेख है जो कंपनी के सदस्यों के आपसी अधिकारों तथा उन रीतियों का नियमन करता है जिसके अनुसार कंपनी का व्यापार चलाया जाएगा। लॉर्ड चांसलर केन्स के अनुसार अंतर्नियम संपूर्ण कंपनी तथा संचालक मंडल के आपसी अधिकारों कर्तव्यों शक्तियों को परिभाषित करते हैं तथा उस रीति तथा प्रारूप को निर्धारित करते हैं जिसके अनुसार कंपनी के व्यवसाय का संचालन किया जाता है तथा उस रीति तथा प्रारूप को परिभाषित किया जा सकता है जिसके अनुसार समय पर कंपनी के आंतरिक संचालन में परिवर्तन किए जा सकें। फिर भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अनुसार अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक प्रबंध का नियमन करते हैं तथा उसके अधिकारों को परिभाषित करते हैं, अधिकारियों के अधिकारों को परिभाषित कर सकते हैं। तो हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्व सीमा नियम एक ऐसा प्रलेख है जिससे कंपनी के नियमों विनियमों उपनियमों का उल्लेख होता है। इस प्रलेख में वर्णित नियम विनियम आदि कंपनी की आंतरिक क्रियाओं में संचालन का नियमन करने से हैं। ये कंपनी के संचालकों एवं अधिकारियों की शक्तियों एवं सीमाओं को निर्धारित करते हैं। यही कंपनी द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों का आधार बनते हैं तथा यही कंपनी एवं इसके सदस्यों के बीच संबंधों तथा कंपनी के सदस्यों के आपसी संबंधों का आधार बनते हैं। अब है अंतर्नियमों की विशेषताएं। पहली विशेषता है वो मैं बताता हूँ आपको, ये जैसे हमने जो परिभाषाएं पढ़ी उसी में बताई गई हैं कुछ बातें। तो यह कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख है जिसमें कंपनी के नियमों उपनियमों एवं विनियमों का उल्लेख होता है। सेकंड है अंतर्नियमावली। अंतर्नियम मूल रूप से बनाए गए तथा समय समय पर परिवर्तित किए हुए हो सकते हैं। तीसरा जो है अंतर्नियम पूर्ववर्ती कंपनी किसी भी विधान अथवा उस कंपनी के अधिनियम के अधीन बनाए हुए हो सकते हैं। चौथा अंतर्नियम सीमा नियम के सहायक एवं उसकी सीमाओं के अंतर्गत होते हैं। पांचवा अंतर्नियमों में वर्णित विनिमय कंपनी के आंतरिक प्रबंध के मामलों का नियमन करते हैं। छठी विशेषता है अंतर्नियम उन तरीकों या प्रारूपों को निर्धारित करते हैं जिनके अनुसार कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया जाता है। ये कंपनी के संचालकों एवं अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों को निर्धारित एवं स्पष्ट करते हैं। अगली जो विशेषता हम कह सकते हैं कि अंतर्नियमों में वर्णित विनियम कंपनी एवं उसके सदस्यों के बीच अनुबंध का आधार बनते हैं तथा सदस्यों के आपसी संबंधों को स्पष्ट करते हैं। नौवा है अंतर्नियम सार्वजनिक प्रलेख है जो जनता के निरीक्षण एवं अध्ययन हेतु सदैव उपलब्ध रहता है, ये सार्वजनिक प्रलेख है। दसवां अंतर्नियम परिवर्तनीय प्रलेख है, इसमें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तन एवं पुनः परिवर्तन किया जा सकता है।
अगली विशेषता ये है, यह मुद्रित प्रलेख है तथा सह अनुच्छेदों खंडों में बटा होता है। फिर अगली विशेषता है, अधिनियम में प्रत्येक प्रकार की कंपनी के लिए मॉडल अंतरनियमों का प्रारूप दिया गया है। यह प्रारूप अधिनियम की अनुसूची फर्स्ट की सारणी एफ से जे तक में दिया गया है। अगली जो विशेषता है वो है, कोई भी कंपनी इन मॉडल अंतरनियमों से अपने पर लागू होने वाले प्रारूप को अपना सकती है, वह चाहे तो उसे आंशिक या पूर्णतः अपना सकती है। फिर अगला पॉइंट है 14, निजी कंपनी के लिए मॉडल अंतरनियमों में कोई प्रारूप नहीं आता है, निजी कंपनी को अपने अंतरनियम बनाने ही पड़ते हैं। फिर अगला जो इसमें टॉपिक आता है वो है, अगली जो बात है वो है अंतरनियमों के प्रारूप एवं औपचारिकताएं। तो पहले जैसा बताया कि अनुसूची फर्स्ट में सारणी एफ जो है वो अंशों द्वारा सीमित कंपनियों के लिए प्रारूप है, सारणी जी में गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों जिनमें अंश पूंजी है के लिए अंतरनियमों का प्रारूप है, सारणी एच में गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों जिनमें अंश पूंजी नहीं है के अंतरनियमों का प्रारूप है, सारणी आई में अंश पूंजी द्वारा असीमित कंपनियों के लिए प्रारूप है, सारणी जे में असीमित कंपनियों जिनमें अंश पूंजी नहीं है के लिए अंतरनियमों का प्रावधान है, कोई भी कंपनी अपने पर लागू होने वाले मॉडल अंतरनियमों में से कुछ न कुछ सभी अंतरनियमों को अपना सकती है। ठीक है, किसी भी कंपनी के अंतरनियम का प्रारूप तैयार करते समय कुछ औपचारिकताओं पर ध्यान देना है। जो वो बातें कौन कौन सी हैं, वो चार बातें हैं। पहला, प्रत्येक कंपनी के अंतरनियम उस पर लागू होने वाली सारिणी में दिए गए अंतरनियमों के अनुरूप ही होने चाहिए। सेकंड, कोई भी कंपनी संबंधित सारिणी में दिए गए सभी या कुछ विनियमों को अपना सकती है। तीसरा, अंतरनियमों के विनियमों पर क्रमानुसार संख्या लिखी जाएगी। और चौथा, अंतरनियमों के अंत में कंपनी के सीमा नियम के सभी अभिदाताओं को हस्ताक्षर करने होंगे तथा वे हस्ताक्षर कम से कम एक साक्षी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। अभिदाताओं के हस्ताक्षर एवं उनकी साक्षी द्वारा प्रमाणन ठीक उसी प्रकार होना चाहिए जैसे कि सीमा नियम पर किए जाते हैं। तो साक्षी और प्रमाणन जरूरी है। फिर है अंतरनियमों की विषय वस्तु संबंधी प्रावधान। कंपनी के जो है कुछ प्रावधान है अंतरनियमों संबंधी। पहला है, प्रत्येक कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु विनिमय। प्रत्येक कंपनी के अंतरनियमों में वे सभी विनिमय सम्मिलित किए जाते हैं जो कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। दूसरा, अन्य विषय। कंपनी के अंतरनियमों में वे सभी विषय भी सम्मिलित किए जाने चाहिए जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। थर्ड है, अंतरनियमों में परिवर्तन हेतु अधिक कड़े या प्रभावी प्रावधान। कंपनी अधिनियम 2013 में पहली बार ये प्रावधान किया गया है कि कंपनियां अपने अंतरनियम में परिवर्तन के लिए कंपनी अधिनियम में दिए गए प्रावधानों से अधिक कड़े एवं प्रभावी प्रावधान कर सकती है, खुद कंपनियां कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, कंपनी अधिनियम में ये व्याख्या की गई है कि अंतरनियम के किसी भी नियम विशेष संकल्प द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु कोई भी कंपनी अपने अंतरनियमों के विनिमय में ये व्यवस्था कर सकती है कि उस विनिमय में परिवर्तन सर्वसम्मति से संकल्प पारित करके किया जाएगा। इसे अधिक कड़े एवं प्रभावी प्रावधान कहते हैं, क्योंकि विशेष संकल्प में तो परसेंटेज होता है, इसमें सभी की सहमति आवश्यक है। प्रावधान करने का समय, यदि कोई कंपनी अपने अंतरनियमों के किन्हीं नियमों में परिवर्तन संबंधी अधिक कड़े एवं प्रभावी प्रावधान करती है तो वह कंपनी उन नियमों से उन्हीं प्रावधानों के अनुरूप ही परिवर्तन करेगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अंतरनियमों में परिवर्तन हेतु अधिक कड़े प्रावधान कंपनी के समामेलन निर्माण के समय अथवा समामेलन के बाद अंतरनियमों में परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। किसी भी कंपनी के समामेलन के बाद अंतरनियमों में उनके परिवर्तन संबंधी अधिक कड़े प्रावधान करने के लिए उस निजी कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है। सार्वजनिक कंपनी है तो अपने समामेलन के बाद कभी भी विशेष संकल्प पारित कर अपने अंतरनियमों के किन्हीं
प्रावधानों में परिवर्तन है तो अधिक कड़े नियमों को अंतर नियमों में जोड़ सकती है। फिर है रजिस्ट्रार को सूचना, यदि कंपनी के समामेलन के समय कंपनी के अंतर नियमों में उनके परिवर्तन द्वारा कोई भी कड़े प्रावधान किए गए हैं अथवा बाद में अंतर नियमों में संशोधन कर ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं तो कंपनी को निर्धारित रीति एवं फार्म में उन प्रावधानों की सूचना रजिस्ट्रार को देनी होगी। फिर है मॉडल अंतर नियमों का प्रारूप एवं अंगीकरण। प्रत्येक कंपनी के अंतर नियम तालिका एफ से जेड तक दिए गए मॉडल अंतर नियमों के प्रारूपों में से उस प्रारूप में होगा जो उस कंपनी पर लागू होगा। कोई कंपनी अपने से संबंधित मॉडल अंतर नियमों में दिए गए विनियमों में सभी अथवा कुछ विनियमों को अपना सकती है, ऐसा है। फिर है पंजीकृत अंतर नियम मॉडल अंतर नियमों में से कुछ भी नहीं हटाते तो संपूर्ण मॉडल अंतर नियम लागू। कभी कभी कंपनी के पंजीकृत अंतर नियम इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनी की दशा में उस कंपनी पर लागू होने वाले मॉडल अंतर नियमों में से किसी भी विनिमय को नहीं छोड़ते हटाते हैं। ऐसे मॉडल अंतर नियमों के सभी विनिमय उस कंपनी के अंतर नियम ठीक उसी प्रकार के होंगे मानो कि वे सभी विनिमय कंपनी के अंतर नियमों में पंजीकृत हैं। फिर पूर्ववर्ती कंपनी विधान में पंजीकृत कंपनी पर लागू नहीं, उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों में कोई भी प्रावधान उन कंपनियों के अंतर नियमों पर लागू नहीं होंगे जो पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन पंजीकृत हैं जब तक कि उन अंतर नियमों का इस अधिनियम के अधीन सुधार या परिवर्तन नहीं किया जाता है। धारा 5 सबसेक्शन 9 के अनुसार ऐसा बताया गया है। फिर है बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में प्रावधान। बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के अंतर नियमों को बनाते समय एक विशेष बात का ध्यान में रखना चाहिए, वो ये बात है कि इसके अंतर नियमों में यदि कोई ऐसा प्रावधान किया जाता है जिससे किसी भी सदस्य के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को कंपनी के लाभों में भागीदारी का हक मिलता है तो ये प्रावधान व्यर्थ होगा। धारा 4 उपधारा 7 में यह बताया गया है। अब है अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अंतर नियमों की विषय वस्तु। अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अंतर नियमों में अधिनियम की अनुसूची फर्स्ट की सारणी एफ में दिए गए सभी कुछ विनिमय हो सकते हैं। यदि कंपनी चाहे तो सारणी एफ में दिए गए सभी विनिमय को अपने अंतर नियमों के रूप में अपना सकती है। तब तक कंपनी को अपने पृथक से अंतर नियम बनाने की आवश्यकता नहीं रहती ऐसी दशा में, और यदि ऐसी कंपनी अंतर नियम बनाती है तो उसके अंतर नियमों में कुछ बातें शामिल करने पड़ेंगे जैसे कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय, अंतर नियम में प्रयुक्त शब्दों, पदों, अभिभाषाओं की परिभाषा एवं अर्थ, सारणी एफ में अपवर्जन की सीमा, सारणी एफ में विनिमयों को पूर्णतः अथवा अंशतः अपवर्जित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, मतलब उनको अंगीकार नहीं किया जाता। अंश पूंजी विभिन्न वर्गों में अंशों में संबंधित अधिकार तथा अंश अधिकारों में हेरफेर, अंशों पर ग्रहणाधिकार, अंशों पर याचना धन की राशि, लाभ का अंतरण, अंशों का अंतरण, लाभों का पूंजीकरण, साधारण सभाएं, सभाओं का स्थगन, परोक्षी, अंशों का पारेषण, पूंजी में परिवर्तन, अंशों में पुनःक्रयण, साधारण सभाओं की कार्यवाही, मताधिकार, संचालक मंडल सभाओं की कार्यवाही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी की सार्व मुद्रा यदि हो तो लाभांश एवं संचय कोष, लेखांकन अंकेक्षण, कंपनी का समापन, अधिकारियों की क्षति पूर्ति, अभिदाताओं के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर की तिथि एवं स्थान, ये सब चीज़ें जो है वो अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अंतर नियमों की विषय वस्तु होती है। धन्यवाद।